नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतमस्ति। अद्य वयं स्नातक द्वितीय वर्षस्य कक्षायां प्रथम प्रश्नपत्रे अभिज्ञान शाकुंतलम नामधेयं नाटकस्य तृतीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के तृतीय अंक के कुछ श्लोकों को पूर्ण किया था। अब हम अगले श्लोकों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम पढ़ चुके थे, इससे आगे हम पढ़ रहे हैं परिक्रम्य अवलोक्य च। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर राजा, यह है अस्मिन वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहितया तया भवितव्यम तथा ही अधो विलोक्य। देखिए, यहाँ पर उनको होना चाहिए घूमकर और देखकर, इस बेत के घेरे हुए लता मंडप में वह अवश्य ही उपस्थित होगी। कौन? शकुंतला। क्योंकि नीचे की ओर देखकर, नीचे की ओर देखकर उसके लिए यहाँ पर शब्द आया है अधो विलोक्य। परिक्रम में अवलोक्य च, घूमकर और देखकर कह रहा है अस्मिन वेत वेतस एतस क्या अस्मिन वेतस परिक्षिप्ते, इस वेत वेतस लता में के, इस वेतस जो है कुंज में, इस वेत वेत के कुंज में क्षिप्ते लता मंडपे, बेलों से घिरे हुए लता मंडप में सन्निहिताया तया भवितव्यम, उसे यहीं पर होना चाहिए। तथा ही, क्योंकि अधो विलोक्य, नीचे देखकर। तात्पर्य ये हो रहा है कि राजा को ऐसा अनुमान हो रहा है कि शकुंतला इसी वेतस लता कुंज में विद्यमान है। घूमकर और देखकर राजा कहता है इस बेत से घिरे हुए लता मंडप में शकुंतला अवश्य ही उपस्थित होगी, क्योंकि नीचे देखकर। अब नीचे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये एक श्लोक में वर्णित किया गया है। उस श्लोक को अब हम प्रारंभ करते हैं। तृतीय अंक का पंचम श्लोक यहां पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, अब श्लोक पढ़ते हैं। अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जघन गौरवात पश्चात द्वारे अस्य पांडुसिक्ते पद पंक्तिर दृश्यते अभिनवाः। वापस से देखेंगे। अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जघन गौरवात पश्चात द्वारे अस्य पांडुसिक्ते पद पंक्तिर दृश्यते अभिनवा। देखिए किस प्रकार यहाँ पर दिख रहा है, उसका वर्णन है। इस लता मंडप के जो पांडु सफेद रेत वाले द्वार पर, इस लता मंडप के सफेद रेत वाले द्वार पर पांव की नई छाप यानी निशानी परंपरा पद पंक्ति, पैरों की पद, पैरों से पड़ी हुई छाप जो है, नई छाप परंपरा दिख रही है। दृश्यते, जो आगे उठी हुई है, आगे की ओर तो उठी हुई है, और पीछे पीछे की ओर से नितंब के भारीपन से गहरी गहरी हुई हो रही होई हुई है, गहरी हुई हुई है यानी गहरी हो रही है। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं पैरों के, वो आगे से तो उठे हुए दिख रहे हैं और पैरों से अंदर धंसे हुए दिख रहे हैं, ये यहाँ पर इन्होंने बताया। अभ्युन्नता, अभ्युन्नता यानी उन्नत है आगे से, पुरस्ताद यानी आगे की ओर से तो उठी हुई है, और अवगाढ़ा जघन गौरवात पश्चात, और पीछे की ओर से अपने नितंबों के भार से बहुत अधिक भारी होने के कारण वहाँ से कैसी हुई है, पुरस्ताद है ना, और पश्चात
जघन गौरवात नितंबों के भारीपन के कारण पश्चात कैसी है, अवगाढ़ा गहरी है। ठीक, द्वारे अस्य, इस द्वार पर जो कि पांडु सिक्ते जो रेत के कारण सफेद है, पद पंक्तिर दृश्यते, पैरों की ये नई अभिनवा, ये नए निशान दिखाई दे रहे हैं। ये पैरों के निशान दिख रहे हैं और पैरों के निशान कैसे हैं उसकी ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। इस लता मंडप के सफेद रेत वाले द्वार पर पैरों की नई नई छाप यानी परंपरा दिख रही है, जो आगे की ओर से उठी हुई है तथा पश्चात अर्थात पीछे की ओर से नितंब के भारीपन के कारण गहरी गई हुई है। अस्य पांडुसिक्ते द्वारे पुरस्तात अभ्युन्नता पश्चात च जघन गौरवात अवगाढ़ा अभिनवा पद पंक्ति ही दृश्यते। ये मैंने आपको अन्वय पढ़ा है। अब संस्कृत के हिसाब से इसको बताते हैं। अस्य एतस्य लता मंडपस्य पांडुसिक्ते पांडव श्वेता सिक्ता बालुकणा यत्र तादृशे द्वारे प्रतिहारे पुरस्तात, पुरस्तात का मतलब अग्रभागे, अभ्युन्नता उन्नता, पश्चात यानी पार्षणी देशे, फिर च जघन गौरवात जघनस्य श्रोण्याः गौरवात गुरुतयाः अवगाढ़ाः निम्ना अभिनवा प्रत्यग्रा पदपंक्ति ही पादानां चरणानां पंक्ति ही परंपरा दृश्यते विलोक्यते। तात्पर्य क्या हुआ? शरीर का भार एड़ियों पर प्रमुख रूप से होने और एड़ियां मोटी होने से उनकी छाप पंजों की छाप से अधिक गहरी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अभ्युन्नता और अवगाढ़ा। आगे से तो उठी हुई है, पीछे से दबी हुई है, गहरी गड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये कारण बताया है, शरीर का भार एड़ियों पर प्रमुख रूप से होने और एड़ियों के जो है मोटी होने के कारण उनकी छाप पंजों की छाप से अधिक गहरी होती है। दो धंसे हुए भागों में एक कम धंसा होने से उन्नत कहा गया है। स्त्रियों का नितंब देश पुरुषों के नितंब की अपेक्षा ज़्यादा भारी होता है, इसी से छाप और गहरी दिखाई दे रही है। शकुंतला के शरीर और छाप की गहराई देखकर राजा ने यह अनुमान लगाया है कि शकुंतला ही अवश्य इस मंडप में विद्यमान है। इस विरहावस्था में सभी चीज़ें शकुंतला से संबंध दिख रही है। राजा को पहले एड़ी का भाग दिखना चाहिए था, पर प्रेम पर जोर होने या अगला भाग उठा होने से उसका वर्णन पहले किया गया है या वही पहले दिखा है। पांडु अर्थात उज्ज्वल का वाचक है, उज्ज्वल उद्दीपक होता है। यावद रश्म्या उज्ज्वलम च पद का अर्थ पैर, कदम और पैरों की छाप होता है। बालू सफेद है जिससे उस पर पैरों की छाप अच्छी पड़ी है। राजा गुप्तचर की तरह तर्क देते हुए अनुमान लगा रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा छंद है? आर्या। अभी इससे पूर्व मैंने लक्षण बताया था, आर्या छंद है। अलंकार पर्यायोक्ति हेतु प्रत्यक्ष उपमान अनुमान और श्रुति अनुप्रास अलंकार है। कौन कौन से अलंकार हैं? पर्यायोक्ति हेतु प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष उपमान अनुमान और श्रुति अनुप्रास अलंकार है। यावद विटपांतरेण अवलोकयामी
परिक्रम्य तथा कृत्वा च सहर्षम अये लब्धम नेत्र निवारणम एषा मे मनोरथ प्रियतमा सुख समात्रणम शीलाम पट्टम अधिशय शयाना सखीभ्याम अन्वायते भवतु श्रोष्याम्य असासाम विश्रम्भ कथितानि इति विलोक्य स्थितः ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला। देखिए और सख्यौ हलास ये यहाँ पर बता रहे हैं, हला शकुंतले अपि सुखयति ते नलिनी पत्रावातः। यहाँ पर देखिए जरा डाल की आड़ में देखता हूँ, मैं इस पेड़ की डाल की टहनी की आड़ में देखता हूँ, घूमकर वैसा करता है आनंद के साथ। वो कहता अरे दर लब्धम नेत्र निवारणम, अरे आँखों का मोक्ष स्वर्ग पा लिया है, यह मेरे मनोरथों की प्रियतमा है। अर्थात पुष्य ये जो है पुष्प युक्त ये जो ये यहाँ पर पुष्प युक्त के लिए यहाँ पर एक शब्द आया है, क्या आया है, सुख ऐशा में मनोरथ प्रियतमा सुख सुख कुसुमास्तरणम शिलापट्टम अधिशयाना। कहाँ पर सो रही है ये यहाँ पर बताया, देखो घूमकर वैसा करते हैं आनंद के साथ, मुझे आँखों का स्वर्ग मिल गया है, यह मेरे मनोरथों की प्रियतमा है, पुष्प युक्त विस्तार वाली पत्थर की पटिया पर लेटी हुई है शयाना, इसकी दो सखियाँ सेवा कर रही है। कौन सी दो सखियाँ हैं शकुंतला की, प्रियंवदा और अनुसूया सखियाँ, उसकी क्या कर रही है, उपचार कर रही है, सेवा कर रही है। ठीक है, इन लोगों की विश्वासपूर्वक कही गई बातों को मैं सुनता हूँ, यह कहकर देखते हुए ठहर जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। राजा उनकी बातों को सुनने लगते हैं। अब वो क्या बातें कर रही हैं, उनकी बातें सुनने का प्रयास राजा छिपकर वहाँ करते हैं। शकुंतला को वो हवा कर रही है सखियाँ, वो कह रही है शकुंतला सखियों मुझे पंखा क्यों कर रही हो, मुझे क्या पीड़ा है, मुझे आप पंखा क्यों कर रही हो। राजा शकुंतला का शरीर अत्यधिक रुग्ण दिखता है ऐसा सोचते हैं। राजा कहते हैं ऊहा पोह में पढ़कर तो क्या यह धूप का विकार है, या जैसा मेरे मन में जो है आतप धारण है वैसा ही है। ये प्रेम पूर्वक गौर से शकुंतला की ओर राजा देखता है और सोचता है कि शंका करना व्यर्थ है। इस प्रकार राजा जो है अपने अनुमान लगाता हुआ शकुंतला की दशा को निरीक्षण करता है, और निरीक्षण करता हुआ क्या कहता है वो एक श्लोक में यहाँ पर देखते हैं। श्लोक में शकुंतला की दशा का वर्णन करते हुए राजा ये कहते हैं कि प्रिया का यह शरीर अत्यंत क्लेश युक्त शरीर दिखाई दे रहा है, वक्षस्थल पर खस का लेप लगाया हुआ है, जिस पर कमल दंड का एक मंडल शिथिल पड़ा हुआ है, और अलौकिक रूप से रमणीय है। काम और गर्मी, विरह व्यथा और गर्मी के विस्तार की तपन भले ही समान हो, पर युवतियों पर यह ग्रीष्म का जो अपराध ऐसा रुचिकर नहीं होता, काम का ही यह प्रभाव होता है, न कि यह गर्मी का प्रभाव है, ऐसा वो समझते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि शकुंतला का जो शरीर है रुग्ण है, ऐसा नहीं है, ये काम पीड़ा के कारण उसकी ऐसी दशा है। ये यहाँ पर उन्होंने इस छठे श्लोक में बताया है कि प्रिया का यह अत्यंत क्लेश युक्त शरीर जहाँ वक्षस्थल पर खस का लेप किया हुआ है, और जिस पर कमल दंड का एक मंडल शिथिल पड़ा हुआ है, अलौकिक रूप से रमणीय है, काम और गर्मी दोनों के विस्तार की तपन के भले ही समान हो,
पर युवतियों पर ग्रीष्म का प्रभाव ऐसा नहीं होता है, यह रुचिकर नहीं होता, यह काम का ही प्रभाव है, इसीलिए यह रुचिकर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर इसमें बताया गया है। इस श्लोक में जो है ये बताया गया है कि विरह अवस्था के कारण, काम दशा के कारण शकुंतला की कैसी दशा हो गई है। छंद शिखरणी है, अलंकार समुच्चय, विभावना विशेषोक्ति, संदेह संकर संसृष्टि, व्यतिरेक अनुमान, अप्रस्तुत प्रशंसा और अनुप्रास इत्यादि अलंकार इस श्लोक में आए हैं। ठीक है, छंद तो शिखरणी है, शिखरणी छंद आप जानते ही हैं। शिखरणी छंद का अगर लक्षण है तो हम ये करते हैं, रसई ही रुद्रश छिन्ना यमनस भ लाघ शिखरणी। शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः यगण मगण नगण सगण भगण एक लघु और एक गुरु वर्ण से यमनस भ लाघ शिखरणी, यानी यगण मगण नगण भगण और सगण हो गए 15, एक लघु और एक गुरु हो गए 17। रसई ही रुद्रश छिन्ना, रस यानी 6 और 11 वर्णों पर यति होती है, रस यानी 6 और रुद्र मतलब 11। ठीक है, और अलंकार तो बहुत सारे हैं इसमें, तो समुच्चय अलंकार है, विभावना अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है, संदेह है, संकर है, संसृष्टि है, व्यतिरेक अनुमान, अप्रस्तुत प्रशंसा और अनुप्रास। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया है शकुंतला की दशा का वर्णन, यहाँ पर उन्होंने कर दिया। प्रियंवदा कहती है, हे अनुसूया, उस राजर्षि से पहली मुलाकात से यह शकुंतला उत्कंठित सी दिखाई दे रही है, और क्या ऐसी बात है कि उसके इस रोग का कारण वह ऋषि राज ऋषि ही हो सकते हैं जिसके कारण इस शकुंतला की ऐसी दशा हुई है। अनुसूया कहती है, मेरे भी हृदय की आशंका ऐसी ही है। ठीक है, तो जरा इससे पूछते हैं। ये प्रकाश रूप में उनसे कहती है, हे सखी, तुमसे कुछ पूछना है, क्योंकि तुम्हारा ताप बलवान हो रहा है, कम नहीं होता, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ऐसा शकुंतला से उसकी सखी कहती है। शकुंतला से ऐसा कहने पर उसकी जो शकुंतला क्या कहती है, शकुंतला इस प्रकार से कहती है कि शकुंतला शरीर के ऊपरी भाग से बिस्तर से उठकर, हे सखी, क्या कहना चाह रही हो। ऐसा कहकर वो उठती है, थोड़ा सा उठने का अभिनय करती है, और उठने का अभिनय करने के पश्चात वो क्या कहना चाहती है, शकुंतला उनसे बोलती है कि भाई तुम क्या कह रही हो। तो राजा उन सारी दशा को, उनकी बातों को सुनकर, अनुसूयाम अप्यनुगतो मदीय स्तर्क है, नहीं त्वाभि प्रायेण में दर्शनम, शकुंतला आत्मगतम बलवत में अहिणी वेतो, है ना। तो इस प्रकार शकुंतला क्या कहती है, राजा ये छुपकर सुनता है। राजा, मेरे तर्क ने अनुसूया का ही पीछा किया है, निश्चय ही मेरा ज्ञान अनुमान मेरी इच्छा से प्रेरित नहीं है, इसलिए वो पूछ रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक राजा भी उसको सुन रहे हैं कि अनुसूया क्या पूछती है और शकुंतला उसका क्या उत्तर देती है। ये यहाँ पर देखते हैं, शकुंतला मन ही मन, मेरा जो हठ निश्चय ही बहुत ही बलपूर्वक है, इस समय ऐसी विकट अवस्था में भी एकाएक इन दोनों से बताने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी अपनी सखियों ने पूछा है तो मैं इनको अवश्य ही बताऊंगी। प्रियमदा, हे सखी शकुंतला, यह तुम ऐसे ठीक कह रही है क्योंकि अपने रोग की उपेक्षा कर रही हो, इसलिए रोज रोज अंगों से दुबली होती जा रही हो, केवल एक लावण्यमयी कांति तुम्हें छोड़ नहीं रही है, इसलिए अपनी व्यथा को हमसे कह दो। ऐसा वह अपनी सखी से कहती है। राजा अवितथामाह प्रियंवदा तथा ही। राजा ने ये कहा कि ये शकुंतला, इसकी वास्तव में ऐसी दशा हो गई है, यहाँ पर प्रियंवदा ने सही कहा है। अब यहाँ पर एक श्लोक आता है जो शकुंतला की दशा का चित्रण कर रहा है। क्षाम क्षाम
क्षाम क्षाम कपोल मानन मुरह क्षाम क्षाम कपोल मानन मुरह काठिन्य मुक्त स्तन मध्य क्लांत तरह प्रकाम विनता अंसौ छवि पांडुरा शोच्या च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टे यम मदन क्लिष्टे यम आलक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा सा माधवी। वापस लता माधवी। वापस से ये देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्षाम क्षाम कपोल मानन मुरह काठिन्य मुक्त स्तन मध्य क्लांत तरह प्रकाम विनता मंसौ छवि पांडुरा शोच्या च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टे अयमालक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। तात्पर्य क्या हुआ? राजा ठीक कहती है, यह जो है प्रियंवदा, देखो शकुंतला की ऐसी ही दशा हो गई है। अब किस प्रकार की दशा शकुंतला की हो गई है, वहाँ पर इस श्लोक में देखिए। शकुंतला के कपोल दुबले और दुबले हो गए हैं। कपोल दुबले हो गए यानी गाल बहुत कैसे हो गए हैं, कृशकाय हो गई है, गाल दुबले हो गए हैं। कपोल क्षामम क्षाम गाल लिए हुए हैं और वक्षस्थल कठोरता से रहित हो गया है। कमर अत्यधिक पतली हो गई है, क्लांत तरह मतलब पतली तो थी ही कमर, और अधिक पतली हो गई है। कंधे विशेष रूप से झुक गए हैं, अंश कहते हैं कंधों को, विनतौ अंशौ कंधे झुक गए हैं। और आकृति पांडुरा यानी आकृति सफेद हो गई है, पीली पड़ गई है। और काम पीड़ित यह शकुंतला पत्तों को सुखाने वाले वायु के द्वारा स्पर्श की गई माधवी लता की भांति शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई है, किंतु सुंदर रूप वाली दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर शकुंतला के शरीर की कतिपय विशेषताओं को इंगित किया गया है जो काम पीड़ा के कारण उसकी दशा हो गई है। सबसे पहले गाल दुबले दुबले हो गए हैं और वक्षस्थल कठोरता से रहित हो गया है। तीसरा, कमर बहुत अधिक पतली थी और भी अधिक पतली, क्लांत तरह पतली हो गई है। मध्य मतलब कमर, मध्य भाग शरीर का बीच का हिस्सा यानी कमर। अंसौ अंसौ मतलब दोनों कंधे, विनतौ विनतौ यानी बहुत अधिक झुक गए हैं विशेष रूप से। और आकृति पांडुरा और उनकी छवि जो है, आकृति है पांडु यानी पीली पड़ गई है, सफेद हो गई है। काम पीड़ा से यह शकुंतला पत्तों को सुखाने वाले वायु के द्वारा स्पर्श की गई माधवी लता के समान हो गई है। ऐसी लता, माधवी लता इतनी कोमल लता होती है जिसको यदि वायु स्पर्श कर जाए तो वह एकदम सूख जाती है। ये यहाँ पर शकुंतला की स्थिति, पत्तों को सुखाने वाले वायु के द्वारा स्पर्श की गई माधवी लता के भांति शोचनीय हो गई है, किंतु सुंदर रूप वाली ये दिखाई दे रही है। इतना होने पर भी उसकी सुंदरता में कोई न्यूनता नहीं आई है, ये यहाँ पर दिखाना है। आननम क्षाम क्षाम कपोलम उरह काठिन्य मुक्तस्तनम मध्य क्लांत तरह अंसौ प्रकाम विनतौ छवि पांडुरा मदन क्लिष्टा यम शकुंतला पत्राणाम शोषणेन मरुता स्पृष्टा माधवी लता इव शोच्या च प्रिय दर्शना च आलक्ष्यते। संस्कृत में कहेंगे तो आननम शकुंतलायाः मुखम क्षामम क्षामम कपोलम क्षामौ अतिकोमलौ कपोलौ। ठीक है, यत्र तादृशम उरह वक्षः काठिन्यस्तनमं कठिन्येन कठिनतया मुक्तौ रहितौ कुचौ यत्र तादृशौ मध्यः कटिः प्रदेशः
क्लांततरः विशेषेण क्लांतः कृशः अंसौ स्कंधौ प्रकाम विनतौ यानी प्रकाम वितौ नकारम अत्यर्थम यथा स्यातता विनतौ निम्नौ छविः आकृतिः पांडुरा श्वेता मदन क्लिष्टा मदनेन कामेन क्लिष्टा पीडिता इयम् एषा शकुंतला पत्राणां दलानां शोषणेन शोकेन मरुता पश्चिमेन वातेन स्पृष्टा युक्ता माधवीलता विशेषा लता वल्लरी इव शोच्या शोचनीया अनुकंपाः च प्रियदर्शना प्रियं हृद्यं दर्शनं रूपं यस्याः तादृशः च आलक्षते प्रतीयते। कपोल पहले दुबले थे और भी अधिक दुबले हो गए हैं। कमर पहले पतली थी अब और अधिक पतली हो गई है तथा कंधे पहले झुके हुए थे अब और अधिक झुक गए हैं। यह बताने के लिए दूसरा क्षाम क्लांततर इत्यादि तरप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये तरप प्रत्यय विरह कृशता से वक्षस्थल कठिनता से रहित हो गया है। चेहरे पर सफेदी आ गई है। जो शोच्य है वह प्रिय दर्शन नहीं है हो सकता अतः शोच्य से यहाँ पर कृपा पात्र अर्थ निकलता है। इसका हेतु मदन से कृष्ट होना आगे दिखाया भी गया है। शोषण यहाँ शोषक अर्थ में है। नवा से अंत होने वाले शब्द भाववाचक होते हैं। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपको अलंकार और छंद का उल्लेख बताते हैं। प्रस्तुत में कौन सा तो छंद है और कौन सा अलंकार। सबसे पहले बात करते हैं छंद की। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। प्रथम अंक के 14वें श्लोक में भी हमने देखा था शार्दूल विक्रीडित छंद क्या होता है। देखिए, जिसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। कितने? 19 वर्ण होते हैं। और किस क्रम से होते हैं? मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरुवर्ण के क्रम से। कितने होते हैं? 19 वर्ण। वापस से, शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं जो क्रमशः मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरुवर्ण होता है। और यति कहाँ पर होती है? सूर्याश्चर्य यदि महसजौ सतत का सूर्य 12 एवं 7 वर्णों पर यति होती है। 12 हो गए और 12 और 7 19 हो गए तो 12 पर यति होगी। दूसरी यति चरण के अंत में 7 मात्रा 7 वर्णों बाद होगी तो 12 और 7 19। ठीक है, शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण, शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण आता है सूर्याश्वैर यदि महसजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्याश्वैर यदि महसजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम। अलंकार कौन कौन सा है यहाँ पर? उपमा अनुप्रास अलंकार है। उपमा तथा अनुप्रास अलंकार है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।